हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का खास वीडियो एंड्रॉयड यूज़र के लिए है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, बाय मिस्टेक हमसे कोई अपने फ़ोन के अंदर डेटा है वो डिलीट हो जाते हैं। जैसे फ़ोटोज़ है, वीडियो है, या ऑडियो फाइल्स है, या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल है, वो हमारे फ़ोन से बाय मिस्टेक है वो गलती से हम लोग है वो डिलीट कर देते हैं। फिर हम लोग उनको रिकवर है वो जल्दी से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर यूज़र आईडी है वो बहुत ही सिक्योर होती है, इसलिए हम लोग जल्दी से उसको रिकवर है वो नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन के डेटा है उसको रिकवर हम लोग है कैसे करेंगे। कभी गलती से या फिर आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ जाता है जिसकी वजह से आपको अपना फ़ोन है वो फॉर्मेट करना पड़ता है, उस स्थिति के अंदर हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो डेटा है वो सारा का सारा है वो रिकवर कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सब जानने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, यदि आप बीच में स्किप कर दोगे, कोई भी स्टेप है वो छोड़ दोगे, तो वीडियो आपके पूरा समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और कैसे डेटा रिकवर करोगे। और मैं जिस सॉफ्टवेयर से डेटा रिकवर कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इजीली वो डाउनलोड कर सकते हो, और वैसे डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप आराम से गूगल पर जाकर भी सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के वीडियो देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोन पे फॉर एंड्रॉयड। तो इसको आप है वो इजीली है वो गूगल पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं कर पाते हो तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या, इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, ओपन करना है सबसे पहले। तो यस का ऑप्शन आया तो यहाँ पे यस कर देना है। तो अब ये सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब आपको अपना जो मोबाइल है उसको आपको क्या करना है, सिंपली अपने लैपटॉप से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना है, और सेटिंग के अंदर जाके कुछ सेटिंग्स करनी है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वैसी की वैसी सेटिंग है वो आपको अपने फ़ोन के अंदर करनी है। तो चलिए पहले मैं फ़ोन के अंदर बता देता हूँ। जैसे आप यूएसबी ऐप कनेक्ट करोगे तब सेटिंग है वो क्या करनी है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यूएसबी कनेक्ट कर दिए तब आपको ऊपर ऐसे सिंबल दिखाई दे रहा होगा यूएसबी कनेक्टेड का, ये रहा। तो जैसे यूएसबी कनेक्ट होते ही आपको ये सिंबल है वो शो होगा। अब आपको क्या करना है, फ़ोन के अंदर आपको सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर जाओगे तब आपको अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है। तो अबाउट फ़ोन के अंदर जाऊँगा मैं, तो सिस्टम मैनेजमेंट में आप आओगे तो उसके अंदर आपको नीचे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डेवलपर ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको वो क्लिक करना है जो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है इस पे। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन है वो ओपन होंगे। तब आपको सिंपली यूएसबी डबिंग है इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करते ही, जैसे आप ओपन कर लोगे, ओपन करते ही आपके पीसी के अंदर है वो कनेक्ट हो जाएगी। कैसे कनेक्ट होगी तो देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से अलाउ करना है, अलाउ करूँगा, अलाउ करते ही पीसी के अंदर वो कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये आपकी स्क्रीन पर आएगा कि ये आप अलाउ करना चाहते हो। इसको अलाउ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अलाउ करूँगा। तो ये उसके अंदर है वो पीसी के अंदर है वो कनेक्टेड हो चुका है स्क्रीन वाला सिस्टम। अब आपको कुछ नहीं करना, पीसी में करना है जो करना है। हाँ, कई फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता है, उसके लिए भी आपको क्या करना है वो मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तो अभी यही बात करते हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन है वो डेटा रिकवर कैसे करें। दोस्तों, आपने जैसे ही वहाँ से यूएसबी डबिंग को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, डेटा रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब आपके फ़ोन के अंदर कौन कौन से डेटा है जो रिकवर करने हैं, ध्यान रहे, जो डेटा रिकवर करने हैं उस पे आप वो क्लिक करोगे। जैसे मान लो, सपोज़ कि मैं सिर्फ
गैलरी, आप सब कुछ कर सकते हो, ऑडियो वीडियो जो भी करना चाहो सारा रिकवर कर सकते हो। लेकिन मैं अभी सारा है वो रिकवर करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा रिकवर करूँगा तो ज़्यादा टाइम में वो लगेगा। तो मैं सिर्फ गैलरी और पिक्चर है वो ही सिर्फ रिकवर कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो फटाफट से मैं आपको रिकवरी करने का बता देता हूँ, जिसे आप रिकवर कर सको और नेक्स्ट पे वो क्लिक कर देना है। अब चेकिंग डिवाइस इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो जाएगी, गेट रेडी फॉर स्कैनिंग डिवाइस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपका जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा है वो स्कैन हो रहा है, और आपके पीसी के अंदर जितनी भी फ़ोटो जितनी भी इमेज है जो पहले डिलीट हो चुकी है, वो सारी की सारी इमेज है वो मेरी रिकवर हो रही है। तो मैं अब इसको सारा रिकवर न करके आपको सिर्फ पोज करके दिखा देता हूँ। तो ये सारी फ़ोटो हैं जितनी भी मैंने की हैं, वो सारी की सारी डिलीटेड फ़ोटो हैं, वो सब की सब रिकवर हो रही है जो आपको दिखाई दे रही है। और अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। तब आपको यदि तो कुछ फ़ोटो ऐसी होती है जो रिकवर नहीं हो पाती है, तो उन फ़ोटोओं को आप रिकवर डीप रिकवर स्कैन के अंदर जाके डीपली वो रिकवर कर सकते हो, जिससे आपके रिकवर है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, डीप से रिकवर होगा, जो सारी की सारी फ़ोटो है वो रिकवर हो जाएगी। चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, जो भी आपको रिकवर करना है वो कर सकते हो। पर ध्यान रहे, ये सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर है, तो आपके कोई ज़रूरी डेटा हो तभी इस सॉफ्टवेयर को यूज में लें, अदरवाइज न लें, क्योंकि आपके पैसे लगने वाले हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने जो भी आपको ये सॉफ्टवेयर बताया पेड सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको स्कैनिंग करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, डीप स्कैन करना है, और इसे स्कैन करने के बाद में आपको जितना भी आपके फ़ोन के अंदर डेटा है जो डिलीट हुए हैं वो सारे के सारे है वो ये रिकवर करके दे देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। और एक बात बता दूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो यदि आपके फ़ोन के अंदर अभी मैंने जो सेटिंग बताई थी पीछे वो वाला ऑप्शन नहीं है आपके अंदर, तो आपको सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है, फिर अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, उस पर आप टैप करोगे, दो बार क्लिक करोगे, तब ये बिल्डिंग नंबर वाला ऑप्शन है वो खुलेगा। तो इस पर आपको 7वां टैप करना है, जैसे आप टैप करोगे तब आपको ये ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपका एंड्रॉयड वर्जन अलग अलग है, तभी सॉफ्टवेयर के अंदर आप सब में है वो अलग अलग है, वो चेक कर सकते हो सारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिस्टम है। तो अभी जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है वो 6 चल रहा है, 6 के अबव, तो इसके अंदर ये होगा। और लगभग अब के जितने भी फ़ोन आते हैं उनके अंदर वो सारा सिस्टम मिलता है जो मैंने अभी बताया है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने फ़ोन के वो डेटा है वो रिकवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें फुल गारंटी नहीं है कि 100% ही आपके डेटा है वो रिकवर होंगे, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से डेटा रिकवर किया है तो मेरे फ़ोन से लगभग 60-70% तक रिकवर है वो फ़ोटोएँ जो डिलीट की हुई है वो आई है, बाकी अदर कुछ फ़ोटोएँ वो नहीं आई है। तो फुल रिकवर नहीं होता है, फिर भी हम लोग डीपली रिकवर करेंगे तो शायद है वो रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से आप डीपली डीप में रिकवर करके भी बहुत इजी तरीके से अपने डेटा है वो रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर है वो पेड सॉफ्टवेयर है। तो मैंने जो अभी सॉफ्टवेयर जो आपको बताया है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, यानी आप डेटा रिकवर करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हाँ, यदि कोई ज़रूरी डेटा है तो आप इजीली इस सॉफ्टवेयर से रिकवर कर सकते हो, और उम्मीद है कि वो रिकवर हो भी जाए। लेकिन ध्यान रहे, ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। वो क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो जैसे आप गूगल पे ये सर्च करोगे तब आपके सामने वो अमाउंट आ जाएगा।